नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। गौतम बुद्ध नगर के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस व पंखिया गिरोह के बदमाशों के साथ गामा वन के सामने हुई मुठभेड़ में पंखिया गिरोह का 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जाहिद मियां उर्फ अगैत पुत्र इकबाल निवासी मुंशी नगला थाना कादर चौक जिला बदायूं गोली लगने से घायल हो गया। वह एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, डकैती में प्रयोग किए गए माल के 500 अमेरिकी डॉलर, एक आईफोन तथा टॉर्च बरामद की गई है। अभियुक्त जाहिद मियां और भगत ने अपने सहभागियों के साथ मिलकर रेकी करके E-69 बीटा 1 में डकैती घटना को अंजाम दिया था, जिसके 6 साथी पूर्व में डकैती के माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुके हैं। घायल बदमाश को उपचार के हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले बीटा 2 थाना अंतर्गत बीटा 1 सेक्टर में एक मर्चेंट नेवी के घर में बदमाशों द्वारा डकैती की वारदात की गई थी। जब वो घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए बाहर गए तो उनकी पत्नी, बच्चे और उनकी मदर को गन पॉइंट पर लेके डकैतों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का सफल अनावरण किया गया था। इस घटना में क्या नाम है, फरुखाबाद बदायूं के बॉर्डर पर रहने वाले पंखिया गिरोह का भी हाथ था। आज हमारी टीम उसी गिरोह के चक्कर में बाहर थी, तब मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो बदमाश यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि सामान छिपाए हुए हैं और उसको लेने के लिए आने वाले हैं। SHO बीटा 2 की टीम जब उनकी घेराबंदी की तो दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उसमें से दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, $500 अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फोन, टॉर्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।